आम और खास के बीच आपको अंतर करना हो तो इस तारीख के जरिए ही करें। ये तारीख है 5 अगस्त और ये तारीख बेहद खास है। खास इसलिए भी क्योंकि इस तारीख में इतिहास के पन्ने में आस्था से जुड़ी है ये तारीख। और क्यों खास है ये 5 अगस्त की तारीख, आइए आपको बताते हैं। अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त के इस महीने में 5 तारीख बेहद अहम है। अहम इसलिए क्योंकि ये तारीख आस्था से जुड़ी हुई है, आस्था अयोध्या से जुड़ी है। भारतीय इतिहास के पन्नों में 5 अगस्त की ये तारीख स्वर्णिम अक्षरों से लिखी गई है। 5 अगस्त को ही सदियों से चली आ रही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने अपने चुनावी मुद्दे को पूरा किया था। 5 अगस्त को ही अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई थी। नींव भी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। यानी अयोध्या में राम जन्मभूमि के शिलान्यास के अब पूरे 3 साल हो गए हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज 5 अगस्त की तारीख से पहले देश की सबसे बड़ी अदालत पर भी एक नजर दोहरा लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जब नवंबर 2019 में अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना तो इसके साथ सालों से चले आ रहे इस मुद्दे का अंत हो गया। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से विवादों का अंत हुआ तो आरंभ हुआ आस्था का मार्ग, अयोध्या में राम मंदिर बनने का मार्ग। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से एक साल बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौराणिक नगरी अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन की। चांदी की ईंट और चांदी के फावड़े से श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की पीएम मोदी ने आधारशिला रखी। मंदिर की नींव की मिट्टी को पीएम मोदी ने अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए सियावर रामचंद्र और जय सिया राम का नारा गूंजता रहा। राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम तमाम लोगों ने लाइव देखा और करोड़ों देशवासी राम मंदिर भूमि पूजन के साक्षी बने। ये तो हो गई 5 अगस्त की गवाही की बात, भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन की बात। अब जान लीजिए अयोध्या में 3 साल में कितना बनकर तैयार हुआ है भव्य राम मंदिर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले तल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, अब दूसरे तल्ले के निर्माण कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। दूसरे तल्ले में स्तंभ लगाए जा रहे हैं, पत्थरों पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरने का काम भी अंतिम दौर में है। पूरा भरोसा है कि मंदिर का निर्माण कार्य नवंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, यानी अगले साल जनवरी में मकर संक्रांति के बाद किसी भी शुभ मुहूर्त पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समय समय पर मंदिर ट्रस्ट निर्माण कार्य की तस्वीरें जारी करते रहती है, यानी अगले साल आराध्य भगवान भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, इसका पूरा भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाइस्कोप। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपने स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, TCS, Wipro, ITC, Federal Bank, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कम्प्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE NEET की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलम्पियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कम्प्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंकवेट हॉल, डिप डी बाईपास रोड, रांची।